गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड्स पारिस्थितिकीय स्तूप। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसे कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो ये इकोलॉजिकल पिरामिड वर्ड है, ये सबसे पहले सीई एल्टन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में दिया, और उन्हीं के नाम के आधार पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। अब ये इकोलॉजिकल या एल्टोनियन पिरामिड्स होते क्या हैं? तो अगर अपन ट्रॉफिक लेवल को आधार मान करके किसी भी इकोसिस्टम में यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की रिलेशनशिप को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो वो एक पिरामिड की फॉर्म में प्राप्त होता है, और उसे अपन इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड, या तो ये अपराइट या सीधे होंगे, या फिर ये उल्टे या इन्वर्टेड होंगे। पहला टाइप का होगा अपराइट और सेकंड टाइप का होगा इन्वर्टेड। अपराइट में क्या होगा कि जो लोअर बार होगी अपने इस पिरामिड की, सबसे नीचे वाली बार होगी, वो बड़ी होगी, और ऊपर की तरफ बार छोटी होती जाएंगी। और जो अपना इन्वर्टेड या उल्टा स्तूप प्राप्त होगा, इन्वर्टेड पिरामिड प्राप्त होगा, उसमें नीचे वाली बार छोटी होगी और फिर ऊपर की तरफ बार बड़ी होती जाएंगी। इस तरह से दो तरह के मेनली पिरामिड्स, दो तरह की शेप पिरामिड्स की पाई जाती है। और इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड में अपन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल शुरू होता है प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स जो कि इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है, और एनर्जी सन से प्राप्त होने के बाद सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल 1 में आती है, फिर लेवल 2 में, लेवल 3 में, और ये लेवल फूड चेन के आधार पे 3 या 4 तरह के हो सकते हैं। तीन या चार स्टेप अलग अलग हो सकते हैं, किसी कोई फूड चेन 3 स्टेप की होती है, कोई फूड चेन 4 स्टेप की होती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि फूड चेन कौन सी है जिसका कि अपन इकोलॉजिकल पिरामिड बना रहे हैं। तो ट्रॉफिक लेवल पे, और इसमें अपन जो भी डिस्क्राइब करेंगे, जिसका भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो अलग अलग आधारों के आधार होंगे, जिसके बेसिस पे अपन इकोलॉजिकल पिरामिड्स को अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अपन कौन सी रिलेशनशिप या कौन सा उनका आधार ले रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड बनाने के लिए। इसके आधार पे मेनली 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। नंबर 1 पिरामिड्स ऑफ नंबर, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के नंबर को पिरामिड की फॉर्म में दिखाया जाता है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे। और दूसरे नंबर का होता है पिरामिड्स ऑफ बायोमास, जिसमें कि बायोमास या फिर जैव भार जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे दिखाया जाता है। तीसरे तरह के जो पिरामिड होते हैं वो एनर्जी, ऊर्जा के पिरामिड। तो इस तरह से 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। अब अपन 1 by 1 इनको देखते हैं कि पिरामिड्स, अलग अलग टाइप के पिरामिड्स किस तरह के होते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर्स के पिरामिड में क्या होगा कि अपन जो भी अपना इकोलॉजिकल पिरामिड है वो अपन बनाते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस भी फूड चेन को अपन ने लिया है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना है, जिसमें सबसे पहले जो पिरामिड का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले अपन प्रोड्यूसर्स को लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रॉफिक लेवल 2, फिर ट्रॉफिक लेवल 3, और यदि 4 ट्रॉफिक लेवल हैं तो ट्रॉफिक लेवल 4।
इनमें नंबर कितना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हर एक बार के हिसाब से दिखाया जाता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के नंबर को फर्स्ट बार के रूप में दिखाया जाएगा, उसके बाद ट्रॉफिक लेवल 2, उसके बाद ट्रॉफिक लेवल 3 और ट्रॉफिक लेवल 4। इस तरह से इनके नंबर्स में जो रिलेशनशिप है उनको पिरामिड की फॉर्म में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाया जाता है, जो एक अपन को पिरामिड की फॉर्म में प्राप्त होता है, और इसे अपन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे अपन एग्जांपल्स देखते हैं। मेनली जो इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर्स का होता है, संख्या के जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो अधिकांशतया सीधे ही होते हैं, लेकिन इसमें सीधे इसलिए होते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमेशा, चाहे कोई भी फूड चेन है अगर अपन देखें तो फूड चेन में प्रोड्यूसर्स हमेशा ज़्यादा नंबर में होते हैं। उन पे सर्वाइव करने वाले जो ट्रॉफिक लेवल 2 होता है, कंज्यूमर फर्स्ट होते हैं, मेनली वो हर्बीवोर्स होते हैं, वो संख्या में प्रोड्यूसर्स की संख्या की बजाय कम होते हैं। जैसे कि अपन कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी फूड चेन का, कि कहीं पे घास पाया जाता है, तो अगर अपन घास में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो घास हैं उनको इंडिविजुअल का नंबर अगर देखें तो वो सबसे ज़्यादा होगा, तो वो प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। उस पर सर्वाइव करने वाले जैसे कि रैबिट्स हैं जो कि घास खाते हैं, तो वो घास की तुलना में रैबिट्स की संख्या कम होगी, और रैबिट्स को खाने वाले जैसे कि लोमड़ी, भेड़िया, इस तरह के एनिमल्स होंगे जो कंज्यूमर इनको कंज्यूम करेंगे, हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे, जो उनकी संख्या रैबिट्स की संख्या से कम होगी, और फिर उनको कंज्यूम करने वाले टॉप कंज्यूमर्स होंगे जिनकी संख्या और भी कम होगी। इस तरह से अधिकांशतया जो ये पिरामिड ऑफ नंबर्स है ये सीधा होता है, अपराइट पिरामिड शेप में होता है, अधिकतर सीधे होते हैं, लेकिन इसमें जो पैरासाइटिक फूड चेन है उसमें ये जो पिरामिड होता है ये उल्टा होता है। और इसका अगर अपन एग्जांपल देखें तो ट्री इकोसिस्टम एक इसका उल्टा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स है, जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में पाया जाता है। और ये कैसे कि अगर अपन ट्री प्रोड्यूसर्स को देखें इस इकोलॉजिकल पिरामिड में, तो वो अपना ट्री है, और एक ट्री, सिर्फ अपन एक ट्री का इकोसिस्टम देख रहे हैं, तो इसमें प्रोड्यूसर्स की जो संख्या है वो 1 ही है, और उस पर डिपेंडेंट जितने भी इस पेड़ पर सर्वाइव करने वाले जो भी कंज्यूमर्स होंगे, जैसे कि इस पेड़ को खाने वाली बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जो पेड़ की अलग अलग पार्ट्स पे सर्वाइव करती हैं, तो वो बर्ड्स की संख्या पेड़ की तो एक ही है, उसके कंपेरेटिवली उनकी संख्या ज़्यादा होगी, और फिर जो ट्रॉफिक उससे ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल 3rd होगा, जो कंज्यूमर सेकेंड होंगे, जो उन पर कंज्यूम करेंगे, उन बर्ड्स पे कंज्यूम करेंगे, उनकी बॉडी पे पाए जाते हैं पैरासाइट की फॉर्म में, उन बर्ड्स की बॉडी पर पाए जाते हैं, वो और भी ज़्यादा नंबर में होंगे, और उन पैरासाइट्स पर पाए जाने वाले और माइक्रोब्स जो सर्वाइव करते हैं वो एक पैरासाइट पे और भी ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं माइक्रोब्स। इस तरह से जो ये नंबर होगा वो ऊपर की तरफ ट्रॉफिक लेवल में, फूड चेन में आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और अपन को उल्टा इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड प्राप्त होता है। इसके बाद अपन देखते हैं पिरामिड्स ऑफ बायोमास। अब बायोमास किसे कहते हैं? बायोमास जैव भार का स्तूप। तो जैव भार अपन कहते हैं किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितना बॉडी मास होता है उस टोटल बॉडी मास को बायोमास कहते हैं। ये टोटल मास होता है ऑर्गेनिज्म्स का, किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं उनका। अब अपन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर अलग अलग किसी इकोसिस्टम में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर कुछ फूड चेन्स लेकर के देखते हैं पिरामिड्स ऑफ बायोमास को। तो बायोमास की अगर अपन बात करें तो जो बायोमास होता है वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर अपन अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे कि प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स जैसे किसी एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसके जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो ट्रीज़ होंगे, और वहाँ पर उस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जितने ट्रीज़ होते हैं उन पर सर्वाइव करने वाले जो भी हर्बीवोरस होंगे, वो अगर संख्या अपन इसका बायोमास अगर देखें एक साथ,
तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास जैव भार ज़्यादा होगा, उस पर सर्वाइव करने वाले जैसे कि ट्री हैं उन पर सर्वाइव करने वाले हैं जो कंज्यूमर्स हैं, हर्बीवोरस, कंज्यूमर फेस्ट, डियर, एलिफेंट एट्सेट्रा, यदि इनके बायोमास को टोटल देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स के बायोमास से कम होता है, और उन पर सर्वाइव करने वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, वो संख्या में भी कम होते हैं, और संख्या में कम होने के कारण उनका बॉडी मास भी कम होता है। इस तरह से जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो भी अधिकतर अपराइट फॉर्म में पाए जाते हैं, सीधे पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी अगर अपन पॉन्ड इकोसिस्टम देखें, किसी एक पॉन्ड का इकोसिस्टम देखें, तो उसका जो बायोमास पिरामिड है वो अपन को इन्वर्टेड फॉर्म में प्राप्त होता है। और वो कैसे कि इसके अगर अपन प्रोड्यूसर्स की बात करें, पॉन्ड में पाए जाने वाले प्रोड्यूसर्स की, तो उसमें प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि उनका बायोमास सबसे कम होता है। सारे के सारे टोटल पॉन्ड के इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोमास अगर देखा जाए तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका बायोमास कम होता है। उन पर सर्वाइव करने वाले इंसेक्ट्स, उनका टोटल बायोमास अगर देखा जाए तो फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होगा, और जो इंसेक्ट्स हैं वो हर्बीवोरस होंगे और ट्रॉफिक लेवल 2 पे होंगे और कंज्यूमर फर्स्ट होंगे। उन पर सर्वाइव करने वाले जो स्मॉल फिशेज होती हैं उनका टोटल बायोमास देखा जाए तो वो ट्रॉफिक लेवल 2 से ज़्यादा होगा, और फिर बिग फिशेज जो कि इन छोटी फिशेज पे सर्वाइव करती हैं उनको अगर अपन देखें, उनके बायोमास को देखें, तो वो और भी ज़्यादा होगा। इस तरह से अपन को जो पॉन्ड का इकोसिस्टम है उसका पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा अपन को उल्टा प्राप्त होता है, इन्वर्टेड फॉर्म में प्राप्त होता है। उसके बाद अपन देखते हैं थर्ड पिरामिड जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसे अपन पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। और एनर्जी का फ्लो अगर अपन देखें तो हमेशा एनर्जी के जो दो लो होते हैं, ऊष्मागतिकी के जो दो लो हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि एनर्जी ना तो उसका फर्स्ट लो है ना तो पैदा होती है ना ख़त्म की जा सकती है, और सेकंड लो जो कि एनर्जी के ट्रांसफ़र को बताता है उसमें ये होता है कि कंप्लीट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कभी नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसलिए ये जो अगर अपन किसी इकोसिस्टम की बात करें तो सन से आने वाली जो एनर्जी है प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो फूड में कन्वर्ट की जाती है ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में, जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो टोटल एनर्जी जो प्राप्त हुई है उसका जस्ट 10% पार्ट ही कन्वर्ट होता है, अगले में ट्रांसफ़र होता है, और बाकी 90% या उस ट्रॉफिक लेवल पे कंज्यूम हो जाती है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उससे ऊपर वाले लेवल में जैसे ही जाते हैं तो एनर्जी जो 10% इनमें ट्रांसफ़र हुई है उसका भी सिर्फ 10% पार्ट इनमें ट्रांसफ़र होता है, बाकी का इनके द्वारा यूज कर ली जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस तरह से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपरी ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं, तो एनर्जी जितनी शुरू में थी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे थी वो इकोसिस्टम में धीरे 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 कम होती जाती है। इसलिए ये जो अपने एनर्जी के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर अपन देखें कि एनर्जी के पिरामिड सदा सीधे क्यों होते हैं, तो चाहे अपन कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो सन से एनर्जी हमेशा, सन ही एक एनर्जी का सोर्स है जिसे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी आती है, और सन से एनर्जी जो एनर्जी का ट्रांसफ़र कन्वर्जन किया जाता है वो मेनली प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है, और प्रोड्यूसर्स जो 100% एनर्जी सन से लेते हैं उसका जस्ट 10% ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, और जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है उससे थर्ड पे जाते वक्त जो उन्होंने 10% एनर्जी ली थी उसका भी सिर्फ 10% आगे ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से आगे चलते चलते जो 100% एनर्जी थी वो
10% 1% 0.1% इस तरह से हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती जाती है। इसलिए जो एनर्जी के पिरामिड्स होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, वो हमेशा सीधे होते हैं। अब अपन लास्ट में देखते हैं फंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स के फंक्शन क्या हैं, ये काम में क्या आते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड से हमें क्या पता चलता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, ये सिर्फ फीडिंग पैटर्न्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के फीडिंग पैटर्न्स को ही नहीं दिखाते हैं, बल्कि ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स में एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है इस चीज़ को भी प्रदर्शित करते हैं, जिससे अपन को एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में ट्रॉफिक लेवल 1 से 2, 3, 4 की तरफ किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है इस बात का पता चलता है। और इसके अलावा अगर अपन किसी भी इकोसिस्टम के बायोमास की बात करें, तो बायोमास का भी अपन को किसी भी एनवायरनमेंट में जो बायोमास को लेकर के रिलेशनशिप है, अलग अलग फूड चेन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग फूड चेन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो भी अपन को पता चलता है। और इससे ये जो अपने इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, इनसे किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके नंबर्स की, उनकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है इकोसिस्टम की, उनमें पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का टाइम के साथ या उन परिस्थितियों में, एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या स्थिति चल रही है, स्टेटस क्या है, नंबर टाइम के साथ कम हो रहा है या बढ़ रहा है, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही हैं उसका उस पर क्या असर हो रहा है, इनका भी पता चलता है, जिससे कि कुछ समस्याएं जैसे कि ओवरहंटिंग बाय ह्यूमन, और जैसे कि प्लांट्स को, ट्रीज़ को डैमेज पहुंचाना बाय ह्यूमन, इन सब की वजह से कौन से नंबर्स कम हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इकोसिस्टम में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं उनका पता चलता है, जिससे कि अपन कुछ जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से अपने आज का टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।